स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। भारत की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है कि हम कुछ भी घर में नया लाते हैं तो उसे इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूजा करते हैं। अगर बाइक या कार खरीदी है तब तो पूजा करना तय है, क्योंकि हिंदू धर्म में वाहन को भगवान गरुड़ का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति गरुड़ भगवान की कृपा से यात्राएं करता है, इसलिए ये मान्यता है कि नया वाहन खरीदने पर इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और टू व्हीलर फोर व्हीलर की पूजा करना तो आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी को हेलीकॉप्टर खरीदने पर पूजा करते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। दरअसल हैदराबाद के बिजनेसमैन बोनीपल्ली श्रीनिवास राव ने हाल ही में $5.7 मिलियन यानी कि 47 करोड़ रुपए की कीमत का एक हेलीकॉप्टर खरीदा। वो उसकी पूजा कराने के लिए अपने नए हेलीकॉप्टर में ही उड़कर सीधे मंदिर पहुंच गए। आपको बता दें कि श्रीनिवास राव प्रतिमा ग्रुप के मालिक हैं। वो पूजा करने के लिए हैदराबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी यदाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास नया हेलीकॉप्टर ACH-135 लेकर आए और वहां पर 3 पुजारियों ने हेलीकॉप्टर के लिए विशेष पूजा की। पुजारियों ने हेलीकॉप्टर के आगे सारी रस्म पूरी की। हेलीकॉप्टर की पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उस हेलीकॉप्टर की पूजा देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग हेलीकॉप्टर की पूजा को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि लोगों ने पहली बार देखा और सुना है कि किसी ने हेलीकॉप्टर की पूजा करवाई है। इस हेलीकॉप्टर की खूबियों के बारे में बात करें तो बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर ACH-135 में 2 इंजन और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।